Welcome to World of Fashion and Designing. Fashion and Designing is all about dreaming. So be an I-Fight. Fulfill your dreams and start making other people dream. International Institute of Fashion and Arts, one of the best designing institute of India, IFA. I am an IFA. Yes, I am an IFA. Design your future. IFA. 1 जनवरी 2016 से लागू हुए NFSA राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम का लाभ लाभार्थियों तक सही मायनों में पहुंच सके, इसको लेकर विभाग ने नई रणनीतियों को अमली जामा पहनाना शुरू कर दिया है। पात्र राशन कार्ड धारकों को सरल और सुलभ रूप में खाद्य सामग्री मुहैया कराने के साथ साथ शासन और प्रशासन ने राशन कार्डों में पाई जाने वाली सभी अनियमितताओं को दूर करने की भी रणनीति बनाना शुरू कर दिया है। इसी के चलते जिला पूर्ति अधिकारी पीके मिश्रा और उनकी टीम द्वारा राशन डीलरों पर जाकर कार्ड धारकों के आधार कार्ड देखने का अभियान चलाया गया। इस समय एक अभियान है कि 7 से अधिक जो यूनिटें राशन कार्डों में है पात्र गृहस्थी में, उसकी जांच की जाए कि उसमें यूनिट सही हैं या यूनिटों में डुप्लीकेसी तो नहीं है, या और भी 7 से भी अधिक यूनिट के हैं उनमें अगर यूनिट ज़्यादा हैं तो ऐसे में कार्डधारकों को भी ये प्रेरित किया जाए। अगर परिवार में ज़्यादा सदस्य हैं और परिवार अलग खाना खा रहा तो अपने कार्ड को अलग करा लें, ये भी है। और मुख्य चीज़ तो यही है कि यूनिटें जो अधिक हैं वो वास्तव में सही हैं या नहीं हैं उनको डिलीट कराना है। अगर हम बात करें आज यूनिटों की, सबसे ज़्यादा अधिक यूनिट कितनी पाई गई है कार्डों में? अब यहाँ पर हम जहाँ हम जांच कर रहे हैं वहाँ पर 17 यूनिट का एक राशन कार्ड और 15 से 16 का भी एक राशन कार्ड मिला है। 31 राशन कार्ड जो हैं वो 10 से 12 के हैं और शेष जो हैं वो 194 राशन कार्ड हैं वो 7 से अधिक यूनिटों के हैं, 7 से 9 तक के हैं। साथ ही इस मौके पर सदर तहसील के ब्लॉक बरौली अहीर के गाँव कबूलपुर में कार्ड धारकों के कार्डों में यूनिट भी चेक की गई, जिसमें 7 यूनिट से अधिक होने पर सभी के आधार कार्ड चेक कर पात्रता सुनिश्चित की गई। पात्रता में कुछ ऐसे आ रहे हैं कि जिनमें वास्तव में यूनिटें जो है ज़्यादा लिखी हुई हैं लेकिन उनके अलग राशन कार्ड बने हुए हैं, ऐसे भी स्थिति आ रही है। और अधिकांश यूनिटें सही भी पाई जा रही हैं। कुछ ऐसे हैं जो कि बाहर चले गए हैं, बाहर रहते हैं परिवार के साथ में, वो भी उस कार्ड में शामिल हैं तो उनके परिवार वाले खुद ही उसमें उनका नाम जो है अलग करवा रहे हैं कि वो उनका हटा दिया जाए। विभाग ही कर रहे हैं कि अगर बात करें? नहीं, वो अपना कटवा रहे हैं और विभाग हम लोग इसीलिए आए हैं कि ऐसे में इनसे आधार कार्ड ले रहे हैं और पूछताछ भी कर रहे हैं कि वास्तव में इनके परिवार में इतने लोग हैं कि नहीं है, तो आधार कार्ड को ही आधार मानते हुए हम लोग यूनिटों में कम। किस तहसील में आज ये अभियान चला है? आज ये हम बरौली अहीर ब्लॉक तहसील सदर का है, इसमें हम आए हैं एक टेस्ट के तौर पर एक दुकान की देखने के लिए। और ये गांव कबूलपुर गांव है, इसमें आए हैं। हाँ, कोटेदार कमलेश देवी हैं यहाँ पर। जिले भर में गरीब कार्ड धारकों को सरल और सुलभ खाद्यान्न मिल सके, इस मंशा से इन दोनों जिला पूर्ति विभाग अभियानों को सफल बनाने में जुटा हुआ है। साथ ही इस अभियान के दौरान अपात्र कार्ड धारकों के कार्डों को निरस्त भी किया गया और सभी को आधार कार्ड उपलब्ध कराने की हिदायत भी दी गई। वहीं इस मौके पर DSO आगरा समेत तहसील सदर AR चंद्रशेखर सहाय ने बारीकी से कार्ड धारकों के कार्ड चेक करने का काम किया। 7 इंडिया न्यूज के लिए कैमरा पर्सन चंदन सिंह के साथ अनिल चौधरी की रिपोर्ट।